हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अथॉरिटी के बारे में। ये एक मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इससे पहले हम स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ चुके हैं, हायरार्की के बारे में पढ़ चुके हैं, कमांड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये वन ऑफ द मेथड्स है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा, जिसका नाम है अथॉरिटी। तो चले स्टार्ट करते हैं। अथॉरिटी इज द बेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी मतलब क्षमता, एक जन के पास कंट्रोल, जैसे स्कूल का पूरा अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास होता है, जैसे टीचर इंचार्ज की अपनी एक नौकरी है, टीचर की अपनी एक नौकरी है, दरवान का भी नौकरी है, लेकिन ये लोग सभी लोग उस प्रिंसिपल से क्यों डर रहे हैं? नौकरी तो उसने दिया नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है। नौकरी भले उसने नहीं दिया है, लेकिन इनकी नौकरी खा तो सकता है, कंप्लेन तो कर ही सकता है कि ये दरवान बहुत इनएलिजिबल है, ये ड्यूटी पे ही सो जाता है। ठीक है सर, इसीलिए हम अपने अथॉरिटी से डरते हैं, है ना। जो टीचर होता है वो टीचर इंचार्ज से डरता है, जो टीचर इंचार्ज होता है वो प्रिंसिपल से डरता है, क्योंकि सबको पता है कि नौकरी सरकार ने दी है। लेकिन अथॉरिटी क्या कर सकता है? आपको कंट्रोल कर सकता है, डरा सकता है, आपके खिलाफ लिख के कुछ उसके ऊपर वाले अफसर में भेज सकता है, तो आपको भारी पड़ जाएगा। तो ऐसी अथॉरिटी होनी भी चाहिए, नहीं तो अगर कोई डरेगा नहीं तो काम करेगा नहीं। जैसे अगर बच्चा मम्मी पापा से ना डरे तो वो पढ़ना से बहुत दूर हो जाए, है ना। तो उससे काम कराना है, इसके लिए अथॉरिटी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अगर कोई झाड़ू मारने वाला है, वो बोले नहीं मारेंगे हम, तुमसे मतलब जो झाड़ू मरवाता है, मतलब एक जन को जिसको इंचार्ज बनाया गया, उसके अंदर 10 लोग हैं, इलाकों में जाके झाड़ू मारता है और उसका काम है ऊपर रिपोर्टिंग करना, ठीक है, वो बोले कि नहीं मारेंगे हम झाड़ू, तो ये जो ऊपर बैठा है वो इससे पूछेगा, हमको कंप्लेन आ रहा है कि फलाने इलाके में साफ नहीं होता है, क्या करता है तुम? तो ये बोलेगा कि वो बोलता है कि हम साफ नहीं करेंगे, क्या कर लेगा तुम? तो क्या कर लेगा? यहाँ से चिट्ठी यहाँ, यहाँ से चिट्ठी वहाँ, और वहाँ से डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग स्टार्ट। ठीक है सर, इसलिए लोग अपने अथॉरिटी से डरते हैं। इट इज लिंकिंग पिन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। ये क्या है? लिंकिंग पिन है। ये क्या है? लिंकिंग, जोड़ रहा है। जैसे मेरे सर सीनियर हैं और हम जूनियर हैं, तो यहाँ पे वो उनके पास क्या अथॉरिटी है? जैसे क्या ये कोई, मैं उनके अंदर कोई सरकारी नौकरी कर रहा हूँ? नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनको अथॉरिटी क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि वो सीनियर है। अगर हमको कुछ सीखना है तो अंदर रहना है और उनके अंडर काम करना है, और सीखना है तो उनकी बातें सुननी है, नहीं सुनना है तो वो बोलेंगे जय श्री राम, आप अपना देख लें। ठीक है सर, इसलिए अथॉरिटी माननी पड़ेगी, क्योंकि आप काम सीखना चाहते हैं। इट फॉर्मली क्रिएट्स द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप टू परफॉर्म एंड कोऑर्डिनेट द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस द अथॉरिटी एज द पावर टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक अदर्स ओबे। देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है कि पावर टू गिव ऑर्डर्स, मतलब मेरे पास ये पावर है कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ऑर्डर दे सकता हूँ, और आपसे ओबे भी करवा सकता हूँ। ओबे मतलब पालन भी करवा सकता हूँ। जैसे मैं आपको अगर ऑर्डर दूँ कि ठीक है, ये मतलब अगले दिन ये बुक लेके आना, तो आपको लेके आना है। नहीं कि लेके आएंगे तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है, अगले बार से मत पढ़ने, ये बाध्यता हो जाएगा मेरे लिए, नहीं तो हम ओबे करवाएंगे कैसे? जैसे टीचर अगर बोलता रहे और बच्चे नहीं सुनते रहे तो बस खत्म, एजुकेशन सिस्टम लुप्त हो जाएगा। ठीक, मोरल और लीगल सुप्रीमेसी, द राइट टू कमांड एटसेट्रा, इट हैज बीन डिफाइंड एज, हेनरी फेवल ने कहा था, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। एक पावर देना जिससे हम आपसे ओबीडियंस करवा सकता है, आपसे अपने लिए काम करवा सकता है। जैसे एक इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला जब करता है तो वो किसी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के हाथ में होता है, ठीक है, लेकिन वो बाइक लेके जाके देखना, सिनाक्स करना, डॉक्यूमेंट बनाना, लोगों से सिग्नेचर लेना, पता करना कि वो आरोपी यहीं रहता था कि नहीं, वो उस इंस्पेक्टर इंचार्ज के लिए पॉसिबल नहीं है हर बार जाना। इसलिए वो क्या करता है? अपने हवलदार को भेजता है कि तुम जाओ कलेक्ट करके आओ, जमा सब कुछ
सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के नाम पे ही चार्जशीट फाइल होती है, वही सबमिट करता है, लेकिन लाने कौन जाता है? कलेक्शन कॉन्स्टेबल जाता है, जहां अर्जेंसी होता है वहां वो खुद भी जाता है। लेकिन ये क्या कॉन्स्टेबल मना कर सकता है नहीं जाएंगे? नहीं, यही वो अथॉरिटी है, ठीक, यही वो अथॉरिटी है। जैसे इस दौरान जितने दिन तक चुनाव चल रहा था, इस दौरान उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही मालिक था जिले का, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद था नहीं, मुख्यमंत्री के पास तो अथॉरिटी थी नहीं, कोई डायरेक्शन दिया जा नहीं सकता, ठीक है सर, तो जैसा चाहे वैसा कर सकता था। मुने ने कहा था अथॉरिटी इज द कोऑर्डिनेटिंग सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर। मुने ने क्या कहा? सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर मतलब सबसे बड़ी शक्ति, अथॉरिटी। देखें, मोदी जी ने कहा कि नोट बदलना है, बदलो नोट। मोदी जी ने कहा जीएसटी आने वाला है, आया। मोदी जी ने कहा घर में बंद हो जाओ, कोरोना है बाहर, हम बंद हो गए। तो देखो, एक अथॉरिटी ऐसा काम कर रहा है कि वो जो कह रहा था हम वो कर रहे थे, ठीक है सर, ये है अथॉरिटी। तो मुने के अनुसार सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग पावर। पढ़ते हैं मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर ने क्या कहा अथॉरिटी के बारे में? मैक्स वेबर, अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, मेड अ पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू सोशल साइंसेस एंड इज नोन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ थ्री आइडियल टाइप ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी। He believed that exercise of authority was universal phenomenon. वो मानते हैं authority को use करना यही हर जगह का normal rule है, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो अपने नीचे वाले से काम करवाएगा ही। That characterized the social relationship. He thought an authority need to be studied in the context of theory of domination. उन्होंने कहा कि अथॉरिटी को अगर पढ़ना है तो थ्योरी ऑफ डोमिनेशन के कंसेप्ट में पढ़ना है। डोमिनेशन क्या होता है? हावी होना। जैसे हम मम्मी पे तो गरज के चिल्ला लेते हैं और पापा के देखते बस भीगी बिल्ली, ठीक, क्यों? क्योंकि मम्मी डोमिनेट हो नहीं पाती है, क्योंकि हमको पता है कि मम्मी उतनी बलवान नहीं है, या माया आ जाएगा मारेंगी नहीं, है ना, ये सब। लेकिन पापा वाले में समझ में आ जाता है कि आ गया राक्षस, खा जाएंगे, है ना, ऐसा वाला। डोमिनेशन रिफर्स टू पावर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल्स एंड रूल्ड। डोमिनेशन रेफर्स टू रूरल एंड रूल्ड, मतलब जिसके हाथ में पावर है वो रूलर है, और जिस पे शासन किया जा रहा है वो रूल्ड है। इन एनी काइंड ऑफ स्टेब्लिश्ड अथॉरिटी देयर एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ बिलीव्स दैट लेजिटिमेट द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी अमंग द रूरल एंड रूल्ड। वेबर आइडेंटिफाइड थ्री टाइप्स ऑफ लेजिटिमाइजेशन। जैसे ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम पे शासन करता है, ये लेजिटिमेट है या इललेजिटिमेट है, जायज है या ना जायज है? जायज है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या हमने बोला है कि बैठो गद्दी पे और शासन करो हम पे? बोला है संविधान में। संविधान मतलब पब्लिकली, मतलब कोई इलेक्शन नहीं, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अंडरटेकिंग तो है कि समाज में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, मतलब हर जिले के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। ये तो सम्मति दे रहे हैं, तभी तो वो लेजिटिमेट हुआ, तभी वो क्या हुआ, लेजिटिमेट। अब जैसे मान लो हमारे जो आर्मी का चीफ हो वो जाके गद्दी पे बैठ जाए, प्रधानमंत्री की गद्दी पे, तो क्या ये अथॉरिटी लेजिटिमेट होगी? इललेजिटिमेट अथॉरिटी होगी, ठीक। जबरदस्ती हथियाए गए गद्दी को क्या कहते हैं? इललेजिटिमेट अथॉरिटी। जैसे यहाँ जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं ये लेजिटिमेट है, आप हम यहाँ पहले से पढ़ाते थे और आपने कहा कि सर पढ़ाइए, पढ़ा रहे, ठीक है सर, हम किसी को भगा के यहाँ नहीं बैठे हैं, ठीक, तो ये लेजिटिमेट है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि तीन प्रकार के अथॉरिटी होते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी एंड लीगल रैशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी derives its legitimacy from the sanctity of the tradition and belief. जैसे ब्रिटेन की रानी, जैसे ब्रिटेन की रानी, आज उनके पास एक्चुअली क्या पावर है? कोई पावर नहीं, तो कैसी अथॉरिटी है वो? ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। कैसी अथॉरिटी है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, बस रीति के अनुसार चलता हुआ आ रहा है और वो गद्दी पे बैठी हुई है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। अगला कैरिस्मेटिक अथॉरिटी,
करिश्मैटिक, करिश्मा है ना सर, तो मोदी जी में करिश्मा है। वो कभी श्री राम बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हैं, कभी बाबा बन जाते हैं, कभी फकीर बन जाते हैं, है ना। अलग अलग राज्यों में जाते हैं, अलग अलग रूप होते हैं उनके। तो मोदी जी में एक अलग करिश्मा है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मोदी जी भगवान राम के अवतार हैं। तो ऐसा करिश्मा है मोदी जी के अंदर कि हम चाहते हैं कि मोदी जी अनंत काल तक गद्दी पर बने रहे। यही करिश्मा लोगों को एक समय जवाहरलाल नेहरू में दिख रहा था, यही करिश्मा लोगों को एक समय इंदिरा गांधी में दिखा था, ठीक है सर। जो सत्ता मतलब जो शासक ज्यादा दिन गद्दी में बैठा है, लोकप्रियता बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या लोकप्रियता? मोदी जी आज गद्दी में इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो लोकप्रिय हैं, लोगों को प्रिय हैं, तो लोगों को उनमें करिश्मा दिख रहा है। जैसे मैं कुछ दिनों पहले एक वीडियो देख रहा था, जो उत्तर प्रदेश में कोई एक जर्नलिस्ट था, किसी महिला से पूछ रहा था कि आप क्यों मोदी को वोट देंगी, है ना। तो वो बोल रही थी मोदी हमारा पति है, बेटा है, भाई है ना, ऐसा बहुत कुछ वो बोल रही थी। तो ऐसा मतलब एक नॉर्मल इंसान तो ये कह ही नहीं सकता कि एक ही इंसान मेरा पति है, बेटा है, भाई है, ऐसा नहीं कह सकते हम जब तक इंसान के अंदर हमको करिश्मा ना दिख जाए। एक तो कुछ अथॉरिटी करिश्मेटिक अथॉरिटी भी होती है। इज बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द लीडर। लीडर इज बिलीव टू बी पोजेस करिश्मा एंड एंडोर्ड विद द सुपर ह्यूमन एंड सुपर नेचुरल क्वालिटीज। हम मानते भी हैं कि हमारे मोदी जी में सुपर नेचुरल क्वालिटीज है। मोदी जी 365 दिन 24 घंटा काम करते हैं, तो ये सुपर क्वालिटीज के बिना कोई काम कर ही नहीं सकता। तो ये करिश्मेटिक अथॉरिटी। अगला लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल मतलब कानूनी, रैशनल मतलब रीजन, तर्कवाद, तर्क के साथ, ठीक है सर। ये प्रकार की अथॉरिटी। तो हमारे मोदी जी ट्रेडिशनल अथॉरिटी रखते हैं क्या? नहीं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी ब्रिटेन की रानी रखती है। हमारे मोदी जी करिश्मेटिक अथॉरिटी तो रखते ही हैं, इतनी करिश्मा है उनके अंदर, और लीगल रैशनल अथॉरिटी भी उनके पास है। लीगल तरीके से इलेक्शन हुए थे, वोट हुए थे, लोगों ने उन्हें बहुमत दी, तब वो जाके गद्दी पे बैठे हैं, उन्होंने जबरदस्ती नहीं बैठे। जैसे पाकिस्तान का जो एक समय बना था राष्ट्रपति, जिसका नाम है परवेज मुशर्रफ, क्या परवेज मुशर्रफ ने इलेक्शन करवा के गद्दी पे बैठा था? नहीं, परवेज मुशर्रफ वहां का आर्मी चीफ था 1999 के तहत, कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ क्या था? आर्मी चीफ था 1999 के समय, और उसने बिना इलेक्शन कराए खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड कि आज से राष्ट्रपति कौन है, ठीक है सर, खत्म। तो ये क्या लीगल अथॉरिटी है? नहीं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, करिश्मेटिक अथॉरिटी है। इसको कहते हैं डी फैक्टो अथॉरिटी। क्या कहते हैं? डी फैक्टो मतलब बाय फोर्स बना है, ठीक। हाँ, डी फैक्टो जहां पे इलेक्शन नहीं हो रहा है। आप जनता की एक बार पूछ के तो देखो, आपको कल ही भगा देगा जनता। जनता से देखो, पूछा गया कि तुमको आम आदमी पार्टी चाहिए कि कांग्रेस, क्या बोला जनता ने? जनता 114 सीट में पूरा 92 का 92 सीट पकड़ा दिया है किसको? आम आदमी पार्टी को। कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, छन्नी हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, हैवीएट वेट मतलब बाहुबली लोग हार गए। तो ये जनता का रैशनलिटी अथॉरिटी पावर कौन देता है? जनता देती है। जनता ने सैंक्शन किया है कि आप बैठिए, क्योंकि 135 करोड़ एक साथ उस गद्दी पर नहीं हटेगी, एक ही जन हट सकता है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी एंड फंक्शनल अथॉरिटी। पढ़ते हैं लाइन अथॉरिटी के बारे में। इन लाइन अथॉरिटी सुपर एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स। लाइन अथॉरिटी में जो सबसे ऊपर बैठा है, सुपर एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल, वो पूरा एकदम डायरेक्ट कंट्रोल करता है पूरे नीचे तक। ऊपर बैठा हुआ इंसान पूरे नीचे तक कंट्रोल करता है, जैसे किसी कंपनी का सीईओ, किसी कंपनी का डायरेक्टर, क्योंकि कंपनी उसने ही बनाया था, मालिक है कंपनी का, ठीक। तो वो पूरा कंट्रोल करता है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप आर अरेंज इन हायरार्कियल सिस्टम। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट हर एक स्तर पे
एक जन सुपीरियर है, एक जन सबॉर्डिनेट है ना। जैसे इंस्पेक्टर इंचार्ज, ऑफिसर इंचार्ज का ये सबॉर्डिनेट है ना, हवलदार इंस्पेक्टर का सबॉर्डिनेट है और इंस्पेक्टर सुप्रीम हो गया उसका, ठीक। तो इस कैलकुलेशन में बने हुए हैं। लाइन अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू अचीव द प्राइमरी और मेन पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लाइन अथॉरिटी है, ये इसका सुप्रीम, ये सबॉर्डिनेट, ये सुप्रीम, ये सबॉर्डिनेट, ये ऑर्गेनाइजेशन को चलने में ज्यादा मदद करता है। अगर मान लो ओनली आई एम द बॉस और नीचे कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं है, तो क्या सत्ता चलाना आसान होगा? बहुत कठिन, ठीक। क्योंकि हम ऑब्लिगेशन ही पैदा नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं पैदा कर पा रहे हैं? ऑब्लिगेशन। कैसे? जैसे ये इंस्पेक्टर और हवलदार के रिलेशन के बीच में सोचते हैं, इंस्पेक्टर पूछेगा तुम वहां क्यों नहीं गए थे, और अगर गए थे तो क्या रिपोर्ट लाए, हमको रिपोर्ट दो। ऑफिसर इंचार्ज इंस्पेक्टर से पूछेगा वो काम हुआ, तो इंस्पेक्टर किसको बोलेगा, वो काम हुआ, काम दो, काम दे आया, काम आया इसके पास तो अब काम गया उसके पास। तो यहां देखें स्मूथ काम हो पा रहा है। अगर ये ऑफिसर इंचार्ज को डायरेक्ट हवलदार से बात करना होता तो काम ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पास और भी काम है, उसके पास और भी काम है, स्मूथ फंक्शन नहीं हो पाता। अब आते हैं स्टाफ अथॉरिटी। द नेचर ऑफ स्टाफ अथॉरिटी इज एडवाइजरी। स्टाफ ऑफिसर एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ अथॉरिटी कैसे सोचते हैं? एक थिंक टैंक है, थिंक सोचने वाला टैंक, ठीक है। दे आर रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज ओनली। वो क्या देते हैं? सिर्फ आइडियाज देते हैं, सोच देते हैं कि करना कैसे है ना। स्टाफ अथॉरिटी क्या देते हैं? सिर्फ आइडियाज देते हैं करना कैसे है। स्टाफ ऑफिसर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, कंडक्ट रिसर्च, कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट प्रोग्राम, एडवाइस द लाइन सुपीरियर। ऊपर वाले सुपीरियर को क्या करता है? एडवाइस देता है कि भैया अब क्या करना है। अच्छा, आज कितना तारीख है? आज है 12 मार्च। आज के दिन लोकल अदालत, लोक अदालत बैठा था, सॉरी लोकल अदालत नहीं, लोक अदालत। लोक अदालत क्या करता है? लोक अदालत एक कोर्ट है, सबॉर्डिनेट कोर्ट टाइप ऑफ कोर्ट, जहां पे सेटलमेंट होता है। क्या होता है? सेटलमेंट, फिक्सिंग नहीं, सेटलमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपका कोलकाता पुलिस के गाड़ी का, मतलब आपका गाड़ी है, कोलकाता पुलिस ने बहुत सारा फाइन दिया है, तो पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने का आप मान लो इतना हो गया, 10,000-15,000 फाइन का जमा हो गया, दे नहीं पा रहे, तो वो एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पे आप थोड़ा मतलब बोलेंगे सरकार थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक, तो माजी भर देंगे ऐसा। पोस्टपेड कंपनियाँ जो सिम मतलब पहले इस्तेमाल करो बाद में पैसा दो, पोस्टपेड कंपनियाँ वो बहुत रोती रहती हैं कि फलाने ने यूज़ किया और पैसा नहीं दे रहा है, वो कहाँ जाता है? लोक अदालत। ऐसे छोटे मोटे केसेस कहाँ जाते हैं? लोक अदालत के पास। आज लोक अदालत गाड़ी में घूम रहा था, किसमें? वो बड़ा एक बस नहीं होता ट्रेवलर वाला, तो सारे सीट वीट हटा दिए गए हैं और लोक अदालत मोबाइल हो गया। मोबाइल मतलब घूम के फैसला होगा, एक आज हुआ है, ठीक है। तो किसी ने आइडिया दिया होगा, जैसे अभी सुबह कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जस्टिस हैं जिनका नाम है टी एस शिवांगनम है ना, उन्होंने उन्होंने ही उद्घाटन किया है, आज रिबन काटा है। तो ये देखें, ये वो स्टाफ अथॉरिटी हैं जिन्होंने इस बारे में आइडिया दिया होगा, और लाइन अथॉरिटी को क्या करना है? इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्लियर है। अब आते हैं फंक्शनल अथॉरिटी। नाम से ही जाहिर है किसका काम क्या है, फंक्शन करना है, इसका फंक्शन होगा। फंक्शनल अथॉरिटी प्रोवाइड्स अ लार्जर रोल टू स्टाफ स्पेशलिस्ट बाय अपॉइंटिंग देम इन टॉप पोजीशन फॉर द एंटायर एंटरप्राइज। फंक्शनल अथॉरिटी क्या करते हैं? कभी कभी स्टाफ अथॉरिटी को सबसे टॉप गद्दी पे बिठाया जाता है, तुमको करना है, तुम चलाओ, एंड कन्फरिंग देम ऑन देम पावर ऑफ कमांड इन देयर फंक्शनल एरिया। जैसे IAS IPS जो होते हैं, कभी कभी तो किसी किसी के सेक्रेटरी होते हैं, कभी कभी किसी किसी मुख्यमंत्री क्या होते हैं, IAS बेसी भाग क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो क्या देते हैं? सलाह,
सलाह देते हैं, तो क्या है उस वक्त वो स्टाफ अथॉरिटी है, क्या है स्टाफ। लेकिन जब वो गद्दी पे आते हैं बन के, तब वो किस रूप में काम कर रहे होते हैं, फंक्शनल अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं। ठीक है सर, अथॉरिटी और पावर में क्या डिफरेंस है? पावर एक दादागिरी है, अथॉरिटी एक लिमिटेशन है। हाँ, अथॉरिटी एक लीगल सैंक्शन के साथ, यहाँ परमिशन है सर। खप्पा, जैसे हस्बैंड वाइफ अथॉरिटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नो अथॉरिटी, नो अथॉरिटी है ना। पावर के कंसेप्ट से नहीं समझा रहे, लेजिटिमेसी के कंसेप्ट से समझा रहे। ठीक है, मतलब यहाँ पे अथॉरिटी होती है, शादी के बाद देखो, शादी के बाद पति मारता पत्नी को, तो उनके अपने घर का मामला है ना। लेकिन अगर ऐसा मतलब अगर मतलब शादी से पहले हो रहा है तो क्या कहते हैं, लड़का लड़की को मार रहा है, ठीक, दोनों का नजरिया अलग है, तो ये सैंक्शन है। पावर लेजिटिमेट भी हो सकता है और इललेजिटिमेट भी हो सकता है, वो एक्सेसिव भी हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी हमेशा लेजिटिमेट ही होगी, जो सैंक्शन बाय लॉ है, सैंक्शन बाय लॉ है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या अपनी मर्जी से काम कर रहा है? नहीं, कानून में लिखा हुआ है, उसकी दायरा लिखा हुआ है कि तुम कितने दूर तक काम करोगे और क्या क्या फंक्शन है तुम्हारे, ये अथॉरिटी है। और इससे बाहर जाके अगर वो काम कर रहा है जिसके बारे में लॉ सैंक्शन नहीं करता है, जिसके बारे में लॉ कुछ नहीं कहता है, वो क्या है, वो अपना पावर यूज करता है। कहते हैं ना, नशे सत्ता के नशे में चूर है, शक्ति के नशे में चूर है, इंटॉक्सिकेशन ऑफ पावर। क्या कहते हैं, इंटॉक्सिकेशन ऑफ पावर। इंटॉक्सिकेशन मतलब तो इतना पावर आ गया है कि मतलब किसी का नहीं चलेगा, गड़बड़ा गया है दिमाग। जैसे अथॉरिटी, अथॉरिटी में पावर किस में होता है, कुर्सी में, उस ऑफिस में। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का गद्दी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो अभी हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये गद्दी रहेगा, लेकिन अभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो शायद कल को ना रहे। पोजीशन को अथॉरिटी मिलती है और पावर, बाहुबली लोग अपने आप को ही पावरफुल समझ लेते हैं, वहां पे कोई सैंक्शन देने आया नहीं है, हम बाबू अमित सिंह ऐसा वाला, ठीक। आगे, आखिर ये अथॉरिटी देता कौन है? नीचे देखें, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी कौन देता है? सबसे पहला लॉ, कानून। जैसे आप देखें, पहले ट्रिपल तलाक, तीन बार तलाक बोलने से क्या कोई कंप्लेन कर सकता था? लेकिन अब कंप्लेन मुस्लिम महिला कर सकती है क्योंकि कानून पास हो गया। अब पुलिस वाला किसी मुस्लिम पुरुष को अरेस्ट भी कर सकता है क्योंकि कानून पास हो गया है ना, लेकिन पहले नहीं कर सकता था। तो आप देखें, अथॉरिटी दिया गया। ब्रिटेन की रानी, उनका एग्जांपल मानते हैं, ठीक, वो ट्रेडिशन के कारण ही बनी हुई है, अगर वो निपट भी गई तो उसी फैमिली का कोई ना कोई बैठेगा। तो ये जो अथॉरिटी आया है, ये ट्रेडिशन पे आया है। डेलीगेशन, अगला पावर किसको दिया गया है? डेलीगेशन के जरिए अथॉरिटी मिलती है। डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन सर, जैसे आधार कार्ड का काम है ना, किसने किया था? आधार कार्ड को जो अंगूठा लेना, आंख लेना है ना, हाँ, ये सब किसने किया था? मतलब उनके पास तो इतने एम्प्लॉय है नहीं, तो किया किसने था? स्कूल के टीचर, सरकारी स्कूल के टीचरों को भेड़ा दिया गया था इसमें, सरकारी स्कूल के टीचरों को। तो क्या उनका ये काम था? तो उनके पास ये अथॉरिटी कैसे आई? डेलीगेशन के कारण, मतलब एक्ट में या वहां के अथॉरिटी ने पावर दिया कि भैया तुम भी ये परफॉर्म कर सकते हो, तो अथॉरिटी डेलीगेशन के कारण भी मिलती है। इलेक्शन में भी होता है, उस वक्त के लिए वो प्राइमरी स्कूल का टीचर वहां को उस बूथ का मालिक है, वोट दिलवाने वाला है ना, उसका काम है कि सही से वोट हो,
न्यूटन फिल्म में देखा था मैं। ठीक है सर, अच्छा इसके बाद अथॉरिटी की आपने आप में एकदम मतलब लिमिटलेस है, मतलब ऐसा क्या है कि मतलब अथॉरिटी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता? कौन कर सकता है अथॉरिटी को कंट्रोल? जो देता है वही लॉ। जो पावर दिया है वो पावर छीन सकता है? जो पावर दिया है संसद ने अगर डेलीगेशन के तहत कानून पास करके किसी मजिस्ट्रेट का पावर अगर बढ़ाया है तो घटा भी सकता है। ठीक है, और जुडिशियल तरीके से, जैसे अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने आईएएस ने आईपीएस ने अपने पावर का गलत उपयोग किया है और गलत ऑर्डर पास किया है तो इसको हम कहाँ चैलेंज कर सकते हैं? हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और उसको फिर बांध देंगे रस्सी से, कोर्ट बांध देगा है ना, बोलेगा ना कि भैया ऐसा क्यों पास किया, किया था तो विड्रॉ करो नहीं तो जवाब दो क्यों किया। ऐसा चार सवाल में अपने आप ही हलवा टाइट हो जाता है। ठीक है, तो जुडिशियरी को और लेजिस्लेचर को दोनों के पास पावर है, अगर वो चाहे तो इस जरिए से अथॉरिटी का पावर को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद है आपको अथॉरिटी का कंसेप्ट समझ आया हो।